तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारा पैराग्राफ एमएस वर्ड में कैसे आता है। इक्वल राइट करेंगे आर ए एन डी रैंड, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट क्लोज, एंटर कर दीजिए, आपका जो पैराग्राफ है वो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा। इसे कंपोनेंट्स के बारे में यदि हम जाने कि कौन से कंपोनेंट्स को क्या नाम है, पहले वो आप समझ लीजिए। सबसे ऊपर जो हमें दिखाई दे रहा है, ये जो कुछ टूल्स आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, इसको हम बोलते हैं क्विक एक्सिस टूल बार है आपका ये क्विक एक्सिस टूल बार, क्योंकि यहाँ पे ना हमें वो ऑप्शन दे रखे हैं जिनमें माउस का यूज करके भी अपनी फाइल को ना सेव करा सकता हूँ सीधा यहीं से माउस का यूज करके। ये कुछ क्या कुछ टूल्स दे दिए मुझे शॉर्टकट्स ताकि हम क्विकली क्या एक्शन परफॉर्म कर सकें। उससे आगे यहाँ राइट है डॉक्यूमेंट वन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये क्या है, दिस इज ए टाइटल बार, जिससे हम पहचान करेंगे कि डॉक्यूमेंट मेरा कौन सा ओपन है। अभी मैं नाम तो सेव तो नहीं करी है ना फाइल, अब मैं इस फाइल को ना सेव कर देता हूँ यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक करके, और इसका नाम हमने दे दिया है एमएस वर्ड क्लास। आप देखेंगे जैसे ही मैं इसे सेव कर दूंगा ना तो ये एमएस वर्ड नाम से जो है आपके टाइटल बार में आ जाएगा। अब इसे नाम हमने क्यों दिया है, ताकि इसको हम पहचान सकें। जब बहुत सारी फाइलें मेरे कंप्यूटर में रखी होंगी तो मुझे पता होगा ना मैं कौन सी फाइल पर काम करूंगा, तो उसका नाम मुझे पता होगा तो मैं उसे आसानी से फिर क्या है फाइंड कर सकता हूँ। तो इसको हम टाइटल बार के नाम से जानते हैं, ये आपका टाइटल बार है, शीर्षक है इसका, ये आपका शीर्षक हो जाएगा टाइटल बार। उसके बाद इसमें अगला जो कंसेप्ट है ये मिनिमाइज बटन है आपकी, अगर मैं इस पर क्लिक कर दूंगा विंडो बंद नहीं होती है पर वो जो आपकी फाइल है वो मिनिमाइज हो जाती है, आप चाहें तो यहाँ क्लिक करके दोबारा उसे ओपन कर सकते हैं। दूसरा है कि यहाँ पे हम क्लिक करें तो आपकी ये रिस्टोर हो जाएगी, दोबारा यहाँ क्लिक कीजिए फिर से मैक्सिमाइज हो जाएगी। क्लोज से आपको पता है कि सीधा हम फाइल को जो है बंद कर देंगे, आप एक बार मैं क्लोज पे क्लिक कर देता हूँ, फाइल को मैं यहाँ पे सेव करके से बंद कर देता हूँ। अब मेरी जो पुरानी फाइल है मुझे वो ओपन करनी है, हम बात कर रहे हैं अभी हम जो ऑफिस हम चला रहे हैं वो 2010 का है, एमएस ऑफिस 2010 है हमारे पास, उसको हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे विंडो आर करेंगे, हम विंडो राइट कर दिया, एंटर कर देंगे। अब जो फाइल मैंने रिसेंटली ओपन करी थी वो कहाँ गई, तो उसको पाने के लिए ना आपको ओपन करने के लिए कहाँ है फाइल ऑप्शन पे जाना है, और यहाँ पे ना रिसेंट ओपन जो अभी अभी कुछ समय में हमने जो फाइल ओपन करी है एक दो दिन का, तो सारी दिखाई दे रही है मुझे, तो हमारी फाइल का नाम यहाँ आ रहा है, सीधा इसे क्लिक कर देंगे तो मेरी जो फाइल थी वो सीधा यहीं कहीं ओपन हो जाएगी। आगे देखिए यहाँ पे फाइल है टैब इंसर्ट, ये क्या है, इसको मेनू बार के नाम से जानते हैं, ये मेनू बार है आपका, ये और मेनू बार के अंदर टैब है, जैसे कि फाइल, आपका होम, आपका इंसर्ट, ठीक है, आपका इंसर्ट, ये क्या है, ये सारी सारी आपकी टैब कहलाती हैं, इंसर्ट ये टैब है, चाहे वो रेफरेंस हो, पेज लेआउट हो, इनको हम टैब के नाम से जानते हैं। नीचे जब मैं आऊँगा, अब नीचे ये कुछ ऑप्शन दिखा रखे हैं यहाँ पे, जैसे होम टैब पे तो होम के सारे ऑप्शन आ रहे हैं इधर, इस पर यदि मैं डबल क्लिक करता हूँ माउस की लेफ्ट बटन को तो ये बंद हो जाएगी, ये जो रिबन बार बंद हो गया, इस पर जब मैं क्लिक करूँगा फिर दिखाई देने लगेंगे, ये बाहर क्लिक करूँगा फिर बंद हो जाएगा। तो डबल क्लिक करके ना आप इसे यहाँ से चालू भी कर सकते हो और इसे बंद भी कर सकते हो, रिबन बार को हाइड भी कर सकते हो, शो भी कर सकते हो। इसका दूसरा तरीका ये भी है कि आप यहाँ ऑप्शन दिखाई दे रहा है एरो सा ऊपर की तरफ, देखो लिखा भी आ रहा है मिनिमाइज रिबन, इस पर क्लिक कर दीजिए चला जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे वापस आ जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे चला जाएगा और वापस आ जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं मिनिमाइज रिबन बार, ये रिबन बार है आपका, इसको हम जो इसका कंपोनेंट्स का नाम है वो रिबन बार होता है आपका, इसको रिबन बार के नाम से हम जानते हैं। नीचे आ जाइए डॉक्यूमेंट को जब हम स्केलिंग करते हैं, आप कहेंगे ये यहाँ से लिखना क्यों स्टार्ट कर रहा है, क्योंकि जो स्केलिंग कर रखी है ना पेज की वो यहाँ से सेट है, तो इसका मतलब यहीं से ही लिखना स्टार्ट करेगा। अगर जब हमारा जब आप बीच में आओगे जब आपकी दोनों तरफ लाइन दिखने लगे ना तो आप इसे पीछे कर सकते हो, ऐसा नहीं कि आपने एक को आगे कर दिया एक को पीछे, ये फिर गलत टाइप करेगा। हमेशा जब लाइन बीच में आए ना इस तरह एरो आ जाए तो इसको आप आगे पीछे कर सकते हो, मैं इधर कर दूंगा देखो यहाँ से लिखना इतनी जगह छोड़ दी, इसने मार्जिन छोड़ दिया इधर से लेफ्ट साइड से, इसको बोलते हैं इंडेंटेशन सेट करना, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, ये स्टार्टिंग का ही। आप कर इस ऊपर कर देंगे सेट तो देगा आपको पैगा पे यहाँ आ जाएगा, नीचे कर देंगे तो इतनी जगह ऊपर से छोड़ देगा। जैसे आप स्केलिंग नहीं कर देते हो पैमाने से, भाई इतनी जगह में नहीं लिखना वहाँ से स्टार्ट करना, वही चीज़ ये है। उसके बाद हमारे पास है इसको फिर क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हॉरिजेंटल रूलर बार, इसका नाम है ये हॉरिजेंटल रूलर बार है, हॉरिजेंटल हॉरिजेंटल रूलर रूलर बार, ठीक है। अब लेफ्ट साइड में देखिए
लेफ्ट साइड में भी तो है, इसको क्या बोलेंगे, ये वर्टिकल रूलर बार है, वर्टिकल, ये वर्टिकल रूलर बार है। अब मैं पेज को जब ऊपर नीचे करूँगा, करता हूँ, जैसे मैं पेज को नीचे करना है तो इसको ये स्क्रॉल कर रहा है पेज को ऊपर नीचे जाने के लिए, हमारी सहायता कर रहा है। अब इसको हम बोलते हैं क्या, वर्टिकल स्क्रॉल बार है आपका, ये वर्टिकल स्क्रॉल बार, इससे हम पेज को ऊपर नीचे कर पा रहे हैं जिसकी सहायता से हम वर्टिकल स्क्रॉल बार। फिर नीचे आ जाओ और देखो यहाँ भी आ रहा है, पता है आपको क्यों दिखाई दे रहा है नीचे, वैसे आपको दिखाई नहीं देगा, मैं पेज का साइज कम कर देता हूँ, चला गया नीचे से, जब इसे जूम कर दोगे ना, इसे बढ़ा दोगे तो अपना आप आ जाता है नीचे, क्योंकि जब पेज को फिर मैं लेफ्ट राइट भी कर सकता हूँ इस तरीके से, 100 दफोगे तो आपको दिखाई नहीं देगा ये। और जूम करने का सबसे आसान तरीका मैंने उस दिन ही बताया था, आप कंट्रोल के साथ बीच की बटन घुमाओगे ना, माउस की बीच की बटन, उससे आप जूम इन जूम आउट भी कर सकते हो उसे आसानी से, बीच बटन जब घुमाएंगे तो उससे जूम इन जूम आउट हो जाएगा ये कंट्रोल दबाकर। उसके बाद हमारे पास अगला जो टूल्स है उसका क्या नाम है, अब ये तो क्या हो जाए, ये फिर क्या है, ये हॉरिजॉन्टल क्या है, स्क्रॉल बार है ये, इसको हम हॉरिजॉन्टल नाम से जानते हैं, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, स्क्रॉल बार, ठीक है। नीचे आ जाओ, फिर इधर है, इसमें कुछ ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं आपको, कुछ पेज आपको आ रहे हैं, कितने वर्ड है इस पेज के अंदर, पेज ए वन है, तो इसको बोलते हैं हम स्टेटस बार, ये स्टेटस बार है आपका ये। और सबसे लास्ट में देखेंगे यहाँ पे, यहाँ पे मेरा सिस्टम ओपन है, डेट टाइम आपको दिखाई दे रहे हैं, हाँ 215, टोटल 215 राइट कर दिया अब तक वर्ड हमने। अब नीचे जो दिखाई दे रहा है ये आपका, जहाँ पे स्टार्ट विंडो हम करते हैं, कोई एप्लीकेशन ओपन करते हैं नीचे, तो ये आपका ना ये होता है, इसको हम बोलते हैं टास्क बार, क्योंकि जो भी एक्शन चल रहा होगा नीचे दिख जाता है मुझे, भाई जब मैं वर्ड पे काम कर रहा हूँ तो वर्ड मुझे दिख नहीं रहा, मेरी फाइल यहाँ पे देखो ये दिख रही है मुझे नीचे, तो ये टास्क बार आपको यहाँ पे दिखाएगा। ये इसके कंपोनेंट्स के नेम है, और यहाँ पे जब आओगे जिसे हम जूम इन जूम आउट कर सकते हैं माउस के द्वारा भी, इसको हम बोलते हैं जूम स्लाइडर, इसका नाम है, इस कंपोनेंट का नाम है जूम स्लाइडर। तो ये इसके कंपोनेंट्स हैं सारे के सारे, आपका क्विक एक्सेस टूल बार हो गया, सबसे जो सेंटर में जिसे फाइल का नाम हम देते हैं, पहचान कराते हैं, फाइल को सेव करते हैं, टाइटल बार हो गया, मिनिमाइज बटन, रीस्टोर बटन, मैक्स क्लोज बटन, मेनू बार, ये मेनू बार है जहाँ पे साइड टैब है, रिबन बार हो गया, स्क्रॉल बार हो गया, सॉरी रूलर बार हो गया, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल हो गया, वर्टिकल स्क्रॉल बार हो गया, नीचे क्या है, नीचे हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार हो गया, नीचे स्टेटस बार है जहाँ पे ये लिखे आ रहे हैं, जैसे वर्ड कितने आपने राइट कर दिए हैं, कितने पेज हैं इसमें अभी जो ओपन कर रखे हैं आपने फिलहाल, और यहाँ पे जूम स्लाइडर, पेज को जूम इन जूम आउट हम कर सकते हैं, सबसे लास्ट में आपका होता है स्टेटस, जो नीचे है सबसे टास्क बार है आपका, सबसे नीचे टास्क बार, ये वाला टास्क बार होता है। तो आया समझ में, इसके कंपोनेंट्स के बारे में अभी हमने क्या है रीड किया है। अब हम आते हैं इसके, सो सबसे पहला ऑप्शन है क्लिपबोर्ड, कट ऑप्शन कब वर्क करता है, जब हम किसी पैराग्राफ को यहाँ से क्या सेलेक्ट कर लेंगे। अब सेलेक्ट करने के भी मेरे पास तीन मेथड है वर्ड के अंदर, एक तो आप माउस की लेफ्ट बटन दबाकर भी इसे सेलेक्ट कर सकते हैं, जहाँ से सेलेक्ट करना है ना, मान के चलिए आपको ये लाइन सेलेक्ट करनी, तो मैंने कर्सर को यहाँ रखा बीच में तो यहाँ से सेलेक्ट हो गया, राइट साइड करना तो राइट साइड सेलेक्ट कर लेंगे, नीचे करना है तो ऊपर से नीचे की तरफ हम सेलेक्ट कर लेंगे, जितना लाइन पैराग्राफ मुझे नीचे तक सेलेक्ट करने, नहीं करने तो ऊपर उसे हम छोड़ देंगे, एक तरीका तो है ये। दूसरा क्या तरीका है कि आप ना पैराग्राफ पे तीन बार एक साथ क्लिक करें तो पूरा पैराग्राफ आपका सेलेक्ट हो जाएगा, 1 2 3 देखो हो गया सेलेक्ट, दो बार करने से एक वर्ड सेलेक्ट होता है, दो बार करने से एक वर्ड सेलेक्ट होता है, और तीन बार करने से पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट होता है। तीसरा तरीका है कि आप ना यहाँ पे कर्सर को रखें आगे और शिफ्ट के साथ राइट एरो की प्रेस करें, जितना एरिया सेलेक्ट करना है आप वो भी कर सकते हो, तो सबसे बेस्ट है कि माउस से ही कर लें, है ना, माउस से भी हम कर सकते हैं, सबसे आसान है माउस से सेलेक्ट कर पाना। ये जो कट का ऑप्शन है सेलेक्ट करने के बाद ही वर्क करेगा, एक बार इसको मैं यहाँ से सेलेक्ट करके बोल्ड कर देता हूँ, गहरे अक्षर कर दिए, अब गहरे अक्षर इसलिए करते हैं क्योंकि मेन लाइन है, मेन पैराग्राफ है, इंपोर्टेंट वर्ड है हमारे पास उसके लिए। अब इसको मैं कलर भी दे देता हूँ, मैंने इसे कलर भी दे दिया, इसको मुझे कट करना है, तो मैं सेलेक्ट कर लेंगे सबसे पहले, देखो दो ऑप्शन यहाँ से चालू हो गए, कट का भी कॉपी का भी, बाहर क्लिक करने पर दोनों बंद है ना, अभी भी ये सेलेक्ट करने पर ही चालू होते हैं। अब कट कीजिए, यहाँ से कट गया, कहाँ लाना है, पेस्ट कहाँ करना है, ऐसे मानो मैंने एंटर करा, नीचे एंटर करा और यहाँ इसको सीधा यहाँ पे क्लिक कर दिया, आपका डेटा पेस्ट हो जाएगा, सिंपल जैसा था वैसा वैसा यहाँ के वो पेस्ट हो जाएगा। ये पहली विधि होती है पेस्ट करने की। तो कट हमने करा, कट का मतलब क्या हुआ, वो पैराग्राफ वहाँ से हट गया और दूसरी जगह आके वो पेस्ट हमने कर दिया, रिप्लेस कर दी पोजीशन को, वहाँ से हटा के उसको दूसरी जगह हमने उसके पोजीशन को बदल दिया है, वो हमारे किससे होता है, कट से होता है।
अब मान के लो कॉपी करनी है आपको, आप चाहते हैं कि भाई इसकी डुप्लीकेट कॉपी जनरेट हो जाए, डुप्लीकेट कॉपी क्या जनरेट हो जाए, तो इसको हम कर क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे, कॉपी पे आएंगे। आप देखिए कॉपी करने पर ही पैराग्राफ कहीं यहाँ से जा नहीं रहा है, पहली बार में कट में जा, कट से गायब हो जाता है, पर इससे गायब नहीं होगा, इस पर क्लिक कर ऐसे नहीं गया ना। अब ऊपर नीचे लाओ, एंटर से कंट्रोल वी यहाँ कर दो, शॉर्ट तरीका कंट्रोल वी, या फिर सीधा यहाँ पेस्ट ऑप्शन दे ही रखा, आप इस पर क्लिक कर दीजिए, आपका आ जाएगा। ये पेस्ट कर, ये कॉपी करने का मेथड है, कट से वो लाइन वहां से उठ के दूसरी जगह आ जाएगी, पर कॉपी में क्या है, वो लाइन वहां भी रहेगी पैराग्राफ, और दूसरी जगह भी इसको हम पेस्ट कर सकते हैं। नंबर ऑफ टाइम, कितनी बार इसे आप पेस्ट कर दीजिए, कोई इशू नहीं होगा। और बैक जाने के लिए या तो कंट्रोल जेड कीबोर्ड से कीजिए, शॉर्ट है, कंट्रोल जेड सबसे बेहतरीन तरीका है कीबोर्ड से प्रेस करने का, या फिर आप क्विक एक्सेस टूल बार में आएंगे तो यहाँ भी कंट्रोल जेड होता है बैक करने के लिए, ये कंट्रोल वाई होता है वापस लाने के लिए हटी हुई चीजों को, कंट्रोल जेड कंट्रोल वाई का आपका यहाँ भी ऑप्शन हमें दिए होते हैं। अब पेस्ट करने के मेरे पास ना तीन तरीके हैं भाई, हमने इसको यहाँ से सिलेक्ट करा, कॉपी कर लिया, नीचे आएंगे, इधर आ जाइए, पहले में क्या करना, बिल्कुल सेम टू सेम ला रहा है डेटा को, जैसा हमने कॉपी किया है वैसा का वैसा ही हम चाहते हैं, वैसा ही आ जाए सेम, तो इसके लिए पहला ऑप्शन पे आप कीप सोर्स फॉर्मेटिंग वाला ऑप्शन यूज करोगे। आप चाहते हैं कॉपी तो ऑलरेडी है, वो कॉपी है, हम चाहते हैं कि वो मर्ज फॉर्मेटिंग हो जाए। इसमें क्या हो रहा है, बोल्ड आ रहा है पर कलर नहीं आ रहा है, मर्ज फॉर्मेटिंग में ये दिखाएगा, आप इस तरह भी इसको पेस्ट करा सकते हो। तीसरा तरीका है कि आप चाहते हैं कि कलर वगैरह कुछ नहीं आए, बिल्कुल सिंपल एज ए टेस्ट पेस्ट रहे, तो आप तीसरे तरीके से भी अपना डेटा को पेस्ट कर सकते हो, आपने जो कॉपी किया हुआ है। तीनों ही ऑप्शन आपको आने वाले फीचर्स में, भविष्य में ये काम आते हैं, वो जरूरत के अनुसार देखना होता है कि वो सेम चाहिए या सिंपल हमें एज ए टेक्स्ट चाहिए। जैसे मैंने एग्जाम्पल एक इंटरनेट का भी दिया था आपको बीच में भाई, जैसे हम इंटरनेट के पेज पर हम आ जाते हैं, और इंटरनेट के पेज पे हमने क्या करा, यहाँ पे हमने व्हाट इज कंप्यूटर के बारे में फाइंड आउट किया, व्हाट इज कंप्यूटर के बारे में फाइंड आउट किया हमने, और यहाँ पे हम चाहते हैं कि हमारे पास ये जो कंप्यूटर के बारे में यहाँ पे राइट हुआ है कंटेंट, इसको सेलेक्ट कर लेंगे माउस की लेफ्ट बटन दबाकर, और हमें हिंदी भी साथ में चाहिए थी, तो हमने इस पर राइट क्लिक किया, कॉपी कर लेंगे, ठीक है, और मैं अपने वर्ड के पेज पे आऊंगा। अब अगर मैं इसको देखो, यहाँ पे वही तीन ऑप्शन वर्क करेंगे, आप चाहते हैं सेम आ जाए तो इस पर क्लिक कर दीजिए, सेम आ गया, ठीक है। दूसरा तरीका है, यहाँ पर क्लिक करोगे इसमें लिंक आ जाएंगे, इसमें देखो लिंक भी आ रहे हैं साथ में, हम चाहते हैं लिंक भी ना आए, तो तीसरा तरीका आप सिंपल ये एज ए टेक्स्ट कर दीजिए, बिल्कुल सिंपल आपका जो पैराग्राफ है वो यहाँ पर पेस्ट होकर आ जाएगा। तो आप इंटरनेट से भी कई बार ऑप्शन हमें भविष्य में काम आ जाता है पेस्ट करने के लिए, तो आप पेस्ट करने के आपके पास इतने मेथड हैं जिससे आप उसे मर्ज कीप सोर्स फॉर्मेटिंग, मर्ज फॉर्मेटिंग और एज ए टेक्स्ट भी आप उसे पेस्ट कर सकते हो जरूरत पड़ने पर। उसके बाद है हमारे पास फॉर्मेटिंग का है, मर्ज फॉर्मेटिंग, ये फॉर्मेट पेंटर कैसे वर्क करता है। हमने क्या करा, यहाँ पे जैसे इस पैराग्राफ को हमें इसकी जो फॉर्मेटिंग जो इस पर अप्लाई है वो हमें इस कलर पे अप्लाई करनी है, ये कलर हट जाए, ये ऐसा बन जाए, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, फॉर्मेट पेंटर पे जाएंगे और इस पर सेलेक्ट कर दीजिए, ये हो गया। कलर चाहते हैं या बोल्ड चाहते हो तो बोल्ड पे क्लिक कर दीजिए, डार्क अक्षर पे, फॉन्ट पेंटर पे जाइए और सेलेक्ट कर लीजिए, जितना आप सेलेक्ट करेंगे वो अप्लाई हो जाएगा, सिंपल कंसेप्ट है इसका। तो अब आ जाइए, पेस्ट तो मैंने करा दिया आपको, अब क्लिपबोर्ड कैसे वर्क करता है इसको समझिए। क्लिपबोर्ड का अभिप्राय है कि जैसे कोई पैराग्राफ है, लाइन है, जैसे मान लो ये हेडिंग्स है कुछ, ये हमने इनको हम कॉपी कर लेंगे, पहले इसको ओपन कर लो, इसको कर लो कॉपी, तो यहाँ के सेव हो जाएगा। अब मान लो इसकी जरूरत है आपको कहीं भी, मैं नीचे से दोबारा कॉपी करने की जरूरत नहीं है, मैं इधर आऊंगा क्योंकि मैंने पेस्ट तो से कर रखा है कॉपी पहले, बस यहाँ क्लिक कर दीजिए, यहाँ ये डायरेक्ट पेस्ट हो जाएगा, वहाँ जाने की जरूरत नहीं है आपको, यहाँ जरूरत नहीं है फिर दोबारा से इसे पेस्ट करने की, सीधा यहाँ से इसे पेस्ट करा दीजिए, क्योंकि कॉपी तो ऑलरेडी हुआ पड़ा है, तो क्लिप बोर्ड में आगे क्या होल्ड हो जाता है इधर आके। तो जब पेज ज़्यादा होते हैं, एक एक हेडिंग को बार बार यूज करना होता है, तो उसके लिए हमारा ये ऑप्शन चलेगा, अभी इसको हम कर देते हैं। अब आते हैं हम इसमें फॉन्ट ऑप्शन, आपको जो भविष्य में ऑप्शन काम आएंगे, इसमें ना एक पेस्ट स्पेशल भी होता है, ये आपको इतना वर्क में अभी अभी फिलहाल इसका यूज नहीं है, जब इसका यूज होगा मैं आगे टाइम पे सिखा दूंगा, वैसे इसका बहुत रेयर चांसेस का यूज हो, वैसे सिंपल तरीके से यही हम यूज कर पाते हैं। अब आते हैं हम फॉन्ट ऑप्शन पे, फॉन्ट का अभिप्राय है कि जो मेरे सामने फॉन्ट जो राइट है वो उसका जो राइटिंग है वो कैसी हो, तो यहाँ उसको आप चेंज करना, तो यहाँ आके उसको आप चेंज कर सकते हो, जो सेलेक्ट होगा उसका चेंज होगा। देखो कैम्ब्रिया में इस तरह आ रहा है, कैलिब्री में इस तरह आ रहा है, मंगल पे इस तरह, देखो थोड़ा सा पेज ज़्यादा आ गया बीच में, देखो ना ये विंगडिंग टू में सिंबल फॉन्ट है, इसमें ये इस तरह आ रहा है,
इसमें इस तरह लाइन बन रही है। तो यहाँ पे ना बहुत सारे राइटिंग के फॉन्ट आपको दे रखे हैं, जो आपको लगता है वो आप यूज कर लेंगे। अलग अलग पैराग्राफ आप अलग अलग भी यूज कर सकते हो। वैसे आप सिंपल देख रहे हो ना, जो कैलिवी चला हुआ है पहले से बहुत अच्छा है, अधिकतर हम इसी का यूज करते हैं डिफॉल्ट में। तो जब हम जरूरत लगती है कि इसे भाई आपको चेंज करना है, मैं स्क्रीन यहां देता हूं सामने। अब हमें क्या करना है, हमें फॉन्ट की हम बात कर रहे थे, फॉन्ट यदि चेंज करना पड़ जाए आपको, ना फॉन्ट थीम है इसको बोलते हैं, फॉन्ट थीम। देखो लिखा रहा है ना वहां पे, तो यहाँ पे जब आप आओगे ना तो यहाँ थीम के फॉन्ट होते हैं, आप इन्होंने कोई भी यूज कर लीजिए, इसमें अनेक दे रखे हैं आपको, नीचे तो बहुत है इसमें, आप यूज कर सकते हो। सेलेक्ट कीजिए उस पर अप्लाई कर दीजिए जिस पर आपको अप्लाई करना है। देखिए इसमें हैंड राइटिंग में इस तरह आप जैसे कर्सिव राइटिंग रिटर्न करते हैं वो भी सारे फॉन्ट दे रखे हैं, तो आप यूज कर सकते हो, बहुत सिंपल है। अब मान लीजिए मुझे ये लाइन है थोड़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें इसको मुझे क्या करना है, बोल्ड करना है। अब बोल्ड हम क्यों करते हैं, किसी लाइन को इंडिकेट कराने के लिए हम बोल्ड करते हैं। जैसा आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, कभी न्यूज़पेपर देखना कहीं कहीं उसमें कोई नाम बोल्ड होता है, वो क्यों, उसको अलग से पहचान कराने के लिए होता है, ताकि उस पर ध्यान ज्यादा जाए हमारा। तो इस पर आप क्लिक कर दीजिए, बोल्ड कर देंगे इसे, जो सेलेक्ट होगा वही बोल्ड हो जाएगा। तो जो बोल्ड ऑप्शन है वो किसी पैराग्राफ की हेडिंग है उसको बनाने के लिए इसका हम यूज करते हैं, बुक्स बना रहे हो तो उसमें ये काम आता है हमें। अगला है इटैलिक करना। इटैलिक भी किसी स्पेसिफिक वर्ड के लिए यूज होता है, जैसे आपको तिरछा करना है, हमने सेलेक्ट कर लिया। ये जो तीन ऑप्शन है ना, ये तीन ऑप्शन किसी वर्ड को इंडिकेट कराते हैं बस। देखो इटैलिक थोड़े बड़े क्या हो गए, तिरछे हो गए, इसको हम कंप्यूटर में स्लैंटिंग भी बोलते हैं, स्लैंटिंग मोड। इटैलिक बोल लीजिए, स्लैंटिंग बोल लीजिए, वही चीज है। दोबारा इस पर क्लिक करेंगे वापस अपने फिर से उसी रूप में आ गया, फिर से बोल्ड भी क्या था, डार्क हो रहा है सारा सारा ही। अंडरलाइन, अब अंडरलाइन क्यों देते हैं भाई, आप जैसे मैगजीन पढ़ते हो, बुक्स पढ़ते हो, तो आप पेंसिल से अंडरलाइन नहीं कर देते हो, कोई महत्वपूर्ण लाइन है, इंपोर्टेंट वर्ड है, इंपोर्टेंट लाइन है, उसके लिए हम इसका यूज करते हैं। और अंडरलाइन हमेशा पूरे वर्ड पे अप्लाई होगी, हटाना है इसे सिलेक्ट कर लीजिए, यहाँ से हट जाएगी। किसी एक वर्ड पे देनी है तो सिलेक्ट कर लो उसी वर्ड को, आप उसे बोल्ड अंडरलाइन दे दीजिए, बोल्ड कर दीजिए, इटैलिक भी कर दीजिए, देखो अलग ही पहचान होगी इस वर्ड के बीच में। आपने इस तरह के वर्ड देखे होंगे, आपके बुक्स में भी मिल जाते हैं इस तरीके से। तो इनका बस यही अभिप्राय होता है किसी वर्ड को हाईलाइट कराने के लिए। यहाँ पे और अंडरलाइन और भी दे रखी है हमें अनेक प्रकार की, ये देखो हम इसका यूज कर सकते हैं यहाँ पे, ये देखो तो अंडरलाइन ये भी हमारी चल जाएंगे यहाँ पे। स्ट्राइक करना, ये भी इसी चीज को हाईलाइट करता है। स्ट्राइक माने जैसे किसी वर्ड को काटना है, जैसे टीचर क्या करते हैं, जैसे नोट बुक है रॉन्ग को क्रॉस लगा देते हैं उस पर, वही चीज है। और इसमें क्या है कि इसे आप रेड भी कर दीजिए, फॉन्ट जो है ना रेड कर दीजिए, यहाँ पे आगे इसके फॉन्ट जो कलर है ब्लैक तो डिफॉल्ट होता है, आप और अच्छे ढंग से इसे इंडिकेट कराने के लिए आप इसे ना रेड से क्लिक कर दीजिए, ताकि अब रेड पेन हम क्यों यूज करते हैं भाई, सही गलत को पहचान कराने के लिए। तो हमने क्या करा, फॉन्ट का जो कलर हमने क्या दे दिया, वो रेड ही करा दिया है, ताकि वो हमें जो रॉन्ग वर्ड है उसमें जो मिस्टेक होगी है उसको हमने क्या करा, डिलीट नहीं कराए, उसको हमने क्या करा, चेक करके पेपर को, डॉक्यूमेंट को हमने उसे स्ट्राइक कर दिया। ये रॉन्ग इंडिकेट को क्या है, दिखा सकते हैं हम इस तरीके से। अब आगे आ जाइए, फॉन्ट का साइज बढ़ाना है। अब साइज जैसे मान के चलो आपको इसका साइज बढ़ाना है, तो इस पर क्लिक कर दीजिए, देखो 8 to 72 यहाँ पे जो डिफॉल्ट साइज दिया होता है, 8 से लेके 72 यहाँ डिफॉल्ट होता है। ये देखिए, देखा नहीं किसी किसी हेडिंग का साइज थोड़ा बड़ा होता है, ऊपर जो हेडिंग होती है वो बोल्ड में भी होती है, उसका साइज थोड़ा बड़ा होता है इस तरीके से। अब चाहते हो कि ये थोड़ा और साइज बढ़े, देखो आप देख रहे हो यहाँ पे और भी ऑप्शन आ रहे हैं, आप इस पर क्लिक कीजिए, आप इसका साइज और ज्यादा कर सकते हो। हाईएस्ट कितना, 1638 तक बढ़ जाता है इसका साइज, पर 1638 हम करेंगे नहीं क्योंकि सिस्टम हैंग हो जाएगा। 1638 तक हम फॉन्ट का साइज बढ़ा सकते हैं। अब कैसे पता चलेगा आपको, देखना मैं यहाँ पे 1639 डाल देता हूँ, वो मैसेज दे देगा आपको तुरंत ही। क्या मैसेज आ रहा है, द नंबर मस्ट बी बिटवीन 1 to 1638, है ना, मैं बोल रहा था कि इसका साइज आप इतना ही कर सकते हो, इससे ज्यादा नहीं कर पाओगे, तो हम करेंगे भी नहीं। अगर मान लो आपने इसका 1638 कर भी दिया तो सिस्टम देखना भी हैंग होने लगेगा तुरंत ही। हाँ देखो पेज बढ़ेंगे इसमें नीचे ऑटोमेटिकली, पेज की संख्या बढ़ जाएगी इसमें बाय डिफॉल्ट, देख रहे होगी ना वही प्रॉब्लम।
तो कंट्रोल जेड से मैं बैक कर देता हूँ। देखो पेज बढ़ रहे हैं इसमें, ये वर्ड बढ़ते जा रहे हैं, तो हम सिंपल आ गए हैं अपने उसी पे। तो जब साइज आपको कम ज़्यादा करना है फॉन्ट का, आप यहाँ से भी कर सकते हो और यहाँ से भी सीधा कम ज़्यादा किया जा सकता है फॉन्ट का साइज। अब हमारे पास है इसमें सबस्क्रिप्ट है। जैसे आप मैथमेटिकल से आप फॉर्मूला बनाते हो, H2O लिखते हो, करते हो H2O, तो हम क्या करेंगे, इसे साइज थोड़ा बड़ा कर दीजिए। साइज बड़ा कर दिया, अब हमें क्या करना है, 2 को नीचे लाना, 2 को सेलेक्ट कर लो माउस के द्वारा, या तो शिफ्ट एरो की से कर लीजिए या फिर माउस की बटन प्रेस करके आप सेलेक्ट कर लीजिए। और यहाँ पे क्या ऑप्शन है, सबस्क्रिप्ट, नीचे आ गया नहीं आ गए, तो बन गया जल का सूत्र, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन का। अब पावर बनानी है, जैसे आपने देखा होगा X² + Y² + Z², अब आपको इनको क्या करना है, अब इनको पावर बनानी है। ये मैथमेटिकल में यूज आते हैं आपके, आप इस पर क्लिक कीजिए और पावर पे क्लिक करिए, इसे बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट। इस पर क्लिक कीजिए सुपर स्क्रिप्ट, इस पर क्लिक कीजिए, ये आपकी सुपर स्क्रिप्ट अप्लाई हो जाएगी। तो इसमें ना हर एक ऑप्शन का ना अपना अपना यूज है। अगर पावर अप्लाई करनी है तो सुपर स्क्रिप्ट, बेस लाइन अप्लाई करनी है तो बेस लाइन को हम सबस्क्रिप्ट ही बोलते हैं, बेस मतलब आधार वाली लाइन, तो उसके लिए ये चलेगा। जब स्ट्राइक करना तो ये ऑप्शन ही चलेगा, जब बोल्ड कराना किसी वर्ड को तो ये अप्लाई किया जाएगा, जब साइज बनाना तो ये चलेंगे, जब उसका कंटेंट बदलना है, राइटिंग का स्टाइल बदलना है तो आपके लिए ये चलेगा। अब आगे देखो इसमें और भी ऑप्शन है, यहाँ पे ऑप्शन दिखा रखा है ये कलर देने के लिए, आप चाहते हैं कलर अप्लाई हो जाए तो आपके जो फॉन्ट है उस पर यहाँ पे कलर आ जाएगा, और थोड़ा कलर देने के लिए आप यहाँ भी ऑप्शन है, आप इसको भी चेंज कर सकते हो यहाँ पे देखिए, तो थोड़ा और ये डायनेमिक बन गया पहले से। जब कलर प्रिंटिंग निकालनी हो हमें तो हम इस ऑप्शन का प्रयोग करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना, ये वाले ऑप्शन चलेंगे। अगर कलर प्रिंटिंग निकालनी है, साइज बढ़ा देंगे तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा हमारा, इस तरीके से कम करना है यहाँ से कर दीजिए। अब आगे देखो इसमें, अब इसमें आ गए हाईलाइटर। हाईलाइटर क्यों यूज करते हैं हम प्रैक्टिकल लाइफ में भी, हाईलाइटर इसलिए यूज करते हैं कोई लाइन को हाईलाइट करने के लिए, इंपॉर्टेंट वर्ड है, हेडिंग है, पैराग्राफ है, तो हम यहाँ पे आएंगे, इस पर क्लिक करा तो देखने पेन आ गया होगा, इसे हाईलाइट कर दीजिए। जैसे हम नॉर्मल करते हैं, ये देखो अलग अलग हाईलाइटर अलग अलग तरीके से इंडिकेट, अलग अलग वर्डों को अलग अलग सेलेक्ट कर, ग्रीन कर सकते हैं, जो नहीं क्लियर हुआ से हम रेड कर सकते हैं, तो आप रेड भी यूज कर सकते हो जो गलत है थोड़ा सा, इस तरीके से। तो हाईलाइटर का भी अपना अपना एक इंडिकेट कराने के लिए होता है, ये अपने पैराग्राफ हो लाइनों को इंडिकेट करता है हाईलाइटर। कलर आपने देख लिया कि जो आप सेलेक्ट कर लेंगे उसी पे कलर यहाँ से अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे बहुत सारे कलर दे रखे हैं, यहाँ पे मोर कलर और लेने हैं तो आप नीचे आ जाइए मोर ग्रेडियंट्स पे, और आप आएंगे यहाँ पे ग्रेडियंट्स पे, तो यहाँ पे कलर और भी हैं आपके पास देखिए, तो आपके टेस्ट पर वही कलर आ रहा नहीं आ रहा है। तो वैसे इनकी हमें कम जरूरत होती है, पर आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। जैसे ये लेना है तो देखिए इसमें ये तीन तरह का कलर आ गया आपका, तो इस तरीके से आप यहाँ पे कलर भी यूज कर सकते हो। कंट्रोल जेड से बैक सेलेक्ट करेंगे इसे, हम बोल्ड कर देता हूँ मैं, तो अनबोल्ड हो गया सारा, फिर बोल्ड कर दिया। इसमें है अगला ऑप्शन, कई बार क्या होता है गलती से हमसे ये जो पेज था हमने इंटरनेट से कॉपी किया इसे, मतलब ये कंटेंट क्या करा इंटरनेट से कॉपी कराया हमने, मान के चल रहे हैं, और हमें ना कैपिटल लेटर में राइट करना है सारा, बड़े अक्षर में सारे का कैपिटल माने चाहिए, छोटे नहीं चाहिए, मैं स्मॉल लेटर नहीं चाहिए। तो यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है, यहाँ सेंटेंस केस पहले से चला हुआ है। अब सेंटेंस केस की पहचान क्या है, जहाँ पे डॉट लगा होता है ना उसके बाद पहला अक्षर बड़ा होता है हर लाइन का, होता है सही, जैसे नॉर्मली हम वर्क भी करते हैं अपने नोटबुक में इंग्लिश का, उसमें भी ऐसे ही करते हैं। तो यहाँ पे लोअर में देखना सारे ही छोटे हो जाएंगे इसमें, अगर सेलेक्ट करके जब सेलेक्ट करेंगे इसे हम, सेलेक्ट करने के बाद ही छोटे होंगे, तो एरर आ गया ना तुरंत ही, ग्रीन एरर दे दिया इसने। इसका मतलब क्या है कि ये सारे स्मॉल लेटर में आ गए, आप करेंगे अपर में देखना सारे अपर में आ गए, मुझे राइट भी करना नहीं पड़ा, दोबारा से मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे ना ये फीचर्स भी आपको दिया हुआ है, जब लगता है कैपिटल ईच वर्ड पहला अक्षर बड़ा करना है बाकी सब छोटे, आप इस तरह बदल सकते हो अपने पैराग्राफों को, या फिर उसे टॉगल केस में कन्वर्ट करना, टॉगल केस में ऐसे बदल लिया जाएगा। और जो प्रैक्टिकल लाइफ में आपको काम आएगा, पहला वाला सबसे ज़्यादा यही यूज में आता है, और दूसरा वाला, और बाकी जरूरत अनुसार हम देख लेंगे जैसा हमें बदलना है। तो यहाँ पे वो भी ऑप्शन हमें दे रखे हैं, यहाँ पे 6 केस हैं इसके अंदर, 5 हैं सेंटेंस, लोअर, अपर केस, कैपिटल, ईच वर्ड और टॉगल केस। उसके बाद है जितनी भी मैंने यहाँ फॉर्मेटिंग कर दी पेज, मतलब गलती से पेज खराब हो गया, फॉर्मेटिंग गलती से अप्लाई होगी। अब जो फॉर्मेटिंग जो अप्लाई कर रखी है वो हटानी है, क्लियर करनी है। मुझे क्या करना है, ये जो इस पे जो फॉर्मेटिंग अप्लाई है वो हटानी है, क्लियर करके सिंपल बनाना है इसको, जैसे पहला था वो। तो यहाँ एक ऑप्शन है क्लियर फॉर्मेटिंग के लिए,
इस पर क्लिक कर दीजिए, देखना वापस आ गया अपने उसी रूप में जैसा डिफॉल्ट में था पहले से। अगर मैं सारे पेज हटाना चाहता हूं तो क्या करेंगे, कंट्रोल ए कर दो, सारा पेज सेलेक्ट हो गया कंट्रोल ए से। तो वो हाईलाइटर तो फॉर्मेटिंग नहीं होती है। अब जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, देखना जितने कलर अप्लाई है, अंडरलाइन है, बोल्ड है, सब क्लियर हो जाएगा आपको इस पर क्लिक करने से। एक से ही देखिए हट गया सारी फॉर्मेटिंग। तो ये तब ऑप्शन काम आता है हमें जब हमें फॉर्मेटिंग हटानी होती है। हाईलाइटर फॉर्मेटिंग नहीं होती है, हाईलाइटर से हाईलाइट करता है, वो फॉर्मेटिंग नहीं है, वो नहीं हटेगा आपका, ये ध्यान देना। कि सोचने लगे कि सर ये इसमें से क्यों नहीं हट रहा है, वो ऐसे नहीं हटेगा। जहाँ पे फॉर्मेटिंग बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट साइज बढ़ा रखा है, कलर अप्लाई कर रखा है, अंडरलाइन अप्लाई कर रखी है, वो सारी हट जाएंगी। जैसे एक एग्जांपल दोबारा देखो, सिलेक्ट कर लिया, बोल्ड कर दिया, इटैलिक कर दिया, अंडरलाइन दे दी, और इसको स्ट्राइक भी कर दिया हमने, और इसे कलर भी दे दिया। हटाना है तो इस पर क्लिक कर दीजिए, सब क्लियर। तो इस तरीके से लास्ट में आपका ना ये ऑप्शन काम आएगा, जो फॉर्मेटिंग आपने अप्लाई कर दी वो सारी सारी एक बार में ही क्लियर हो जाएगी आपकी।